हेलो दोस्तों, आज मैं यहाँ पर आपके लिए एक स्टोरी लेके आया हूँ, द किंग विक्रमादित्य। और इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंग्लिश को पढ़ा कैसे जाता है, प्रत्येक वर्ड का मीनिंग क्या होता है, और सेंटेंस को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, तथा उसके साथ साथ छोटी मोटी जो ग्रामर है उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, वो सारा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। स्टोरी यहाँ पर इसलिए लेके आया हूँ ताकि आपको पढ़ने में आनंद आता रहे। तो शुरू करते हैं। देयर वॉज अ किंग। देयर मतलब होता है वहाँ, देयर मतलब होता है वहाँ, वॉज मतलब था, आ मतलब एक, किंग मतलब राजा। तो यहां पर देयर का कोई मीनिंग नहीं है। एक राजा था। हिज मतलब उसका, हिज मतलब उसका, नेम मतलब नाम, वॉज मींस था, विक्रमादित्य क्या नाम था, विक्रमादित्य, तो उसका नाम विक्रमादित्य था। ही वॉज वेरी वाइज। ही मतलब वह है, वॉज मतलब था, वेरी मतलब बहुत, वाइज मतलब बुद्धिमान, वाइज मतलब बुद्धिमान। वह बहुत बुद्धिमान था। ही मतलब वह, वॉज मतलब था, आ मतलब एक, ग्रेट मतलब महान, जज मतलब न्यायाधीश, जज मतलब न्याया धीस। वह एक महान न्यायाधीश भी था। ही मतलब वह, वॉज मतलब था, ऑल्सो मतलब भी, वेरी मतलब बहुत, जस्ट मीन्स न्यायप्रिय, न्याय प्रिय, एंड मीन्स और, काइंड मतलब दयालु। वह न्यायप्रिय और दयालु भी था। वह बहुत ही न्यायप्रिय और कैसा था, दयालु भी था। वन मतलब एक, डे मीन्स दिन, हिज मतलब उसके, ऑफिसर्स मीन्स अफसर, ब्रॉट मीन्स लाई, ध्यान रखिएगा, ब्रिंग होता है लाना, और ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म है ब्रॉट, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लाई। टू, टू मीन्स दो। वुमेन, ध्यान रखिए यहां पर अगर ए होता तो वो मैन पढ़ते, मीन्स एक औरत, लेकिन जैसे ही MEN होता है तो ध्यान रखना है आपको कि एक से अधिक औरतें हैं, तो वुमेन मीन्स औरतें।
टू हिज कोट, टू मीन्स मे, हिज मतलब अपने या उसके, कोट मीन्स दरबार। तो वन डे एक दिन उसके जो अफसर थे दो औरतों को अपने दरबार में लाए। एक दिन क्या हुआ, उसके जो अफसर थे वो दो औरतों को अपने दरबार में लाए। दे मीन्स वे, तो दे किसके लिए इस्तेमाल किया गया, औरतों के लिए। वर मीन्स थी। एक का नाम क्या था, सीता। एंड मीन्स और, दूसरे का नाम था गीता। वे सीता और गीता थी। दे वर क्वेरलिंग, दे मीन्स वे, वर मीन्स थी, क्वेरलिंग मीन्स झगड़ रही। क्वेरल मीन्स होता है झगड़ना, झगड़। और आईएनजी कहीं भी आता है तो उसका अर्थ होगा रही थी, झगड़ रही थी। ओवर आ बेबी, ओवर आ बेबी मीन्स, बेबी मीन्स होता है बच्चा, और यहां ओवर का अर्थ है के लिए। तो बे एक, ए मीन्स होता है एक, बे एक बच्चे के लिए झगड़ रही थी। आगे है सीता सैड, सैड मीन्स होता है कहा। जो सैड है सी का सेकंड फॉर्म है, सी मीन्स कहना और सैड है तो कहा। द बेबी मीन्स बच्चा, इज मीन्स है, माइन मीन्स मेरा। सीता कहती है कि यह जो बच्चा है मेरा है। गीता, गीता हैज स्टोलन। हैज कब इस्तेमाल किया जाता है, जब प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य होता है, और उसके साथ साथ हैज या हैव जब भी आता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। स्टोल, स्टोल का मतलब होता है चुराना, और इसकी थर्ड फॉर्म है स्टोलिन, चुरा लिया, चुरा लिया। गीता हैज स्टोलिन द बेबी, बेबी मीन्स बच्चा। तो सीता कहती है गीता ने इस बच्चे को क्या कर लिया है, चुरा लिया है। नो मीन्स नहीं, द बेबी मीन्स बच्चा, इज मीन्स है, माइन मीन्स मेरा। जब सीता कहती है कि गीता ने बच्चा चुरा लिया है तो गीता जवाब देती है, क्या जवाब देती है, नो द बेबी इज माइन, यह बच्चा मेरा है। आगे है दिस वुमैन, दिस मीन्स यह। अब यहां पे वुमैन की स्पेलिंग देखिएगा, दिस वुमैन वो डब्ल्यू ओ एम ए एन, ए एन है, इसका मतलब है एक औरत। यह औरत। फिर आगे है इज, इज मतलब है, टेल मतलब कहना होता है, और या उससे हम बोल सकते हैं बोलना। आई एन जी आया है तो रही है। अलाई झूठ बोलना, ये पूरा एक फ्रेज होता है, टेलिंग अलाई झूठ बोल रही है। सैड, सैड मीन्स कहा। गीता,
गीता ने कहा कि यह औरत क्या कर रही है, झूठ बोल रही है। किंग मीन्स राजा, विक्रमादित्य राजा विक्रमादित्य, यर्ड यर्ड मीन्स सुन रहे थे, यर्ड मीन्स सुना। द टू वुमेन, टू मतलब दो, वुमेन मतलब औरतों, मैंने आपको बताया था ई का इस्तेमाल हुआ है इसलिए औरतें। तो राजा जो विक्रमादित्य थे दोनों औरतों की बातों को क्या कर रहे थे, सुन रहे थे। ही मीन्स वह कौन, राजा विक्रमादित्य। थॉट सोचने लगे, ओवर द मैटर, ओवर द मैटर पूरे मामले को, मैटर मीन्स मामला, पूरे मैटर क्या होता है, मामला, मामले को राजा विक्रमादित्य उस पूरे मामले को डीपली, डीपली मतलब होता है गहराई, डीप मतलब होता है गहरा, डीपली मीन्स गहराई, राजा विक्रमादित्य उस पूरे मामले को गहराई से सोच रहे थे। देन तभी, ही मीन्स वह, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड मीन्स आदेश देते हैं, आदेश दिया, वह आदेश देते हैं। हिज, हिज मतलब अपने, ऑफिसर्स अफसरों, टू मीन्स को, ब्रिंग मीन्स लाना, आ मीन्स एक, स्वॉर्ड, स्वॉर्ड मीन्स होता है तलवार। तभी वह मतलब राजा विक्रमादित्य आदेश देते हैं अपने अफसरों को कि एक तलवार लेकर आओ। राजा विक्रमादित्य ने आदेश दिया अपने अधिकारियों को कि एक तलवार लेके आओ। द किंग मीन्स राजा, आगे है सेड, राजा ने, सेड मीन्स होता है कहा, टू मतलब को, वन ऑफ हिज ऑफिसर, वन मीन्स एक, ऑफ मतलब का, हिज मतलब अपना, ऑफिसर्स मतलब अधिकारी, अधिकारी बोलो या अफसर बोलो, बात एक ही है। तो राजा विक्रमादित्य ने उन सभी ऑफिसर्स में या अफसरों में से एक अफसर से कहा, डिवाइड बांट दो। डिवाइड का मतलब यहां पर है बांटना। द बेबी, बच्चे को बांट दो, इनटू में, टू दो, हाल्व्स, हाल्व्स मीन्स होता है भाग। तो राजा विक्रमादित्य ने आदेश दिया कि बच्चे को दो भागों में बांट दो। गिव मीन्स देना, वन हाफ आधा भाग, वन मीन्स वन हाफ मीन्स यहां पर होगा आधा भाग,
टू मतलब को, सीता एंड और द अदर भाग, दूसरा भाग, अदर मीन्स होता है दूसरा, हाफ मीन्स भाग, टू को गीता। तो राजा विक्रमादित्य ने जब कहा कि बच्चे की दो टुकड़े कर दो या दो भागों में मार दो, आधा भाग सीता को दे दो और दूसरा जो आधा बचा हुआ भाग है वो गीता को दे दो। हियरिंग, सुन करके, हियर मीन्स होता है सुनना, सुन करके, दिस मीन्स यह सुन करके सीता क्राइड, रोने लगी। लाउडली जोर जोर से, तो यह सुनकर के सीता जोर जोर से रोने लगी। क्या सुनकर के? कि जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने आदेश दिया अपने अफसरों को कि बच्चे के दो टुकड़े कर दो, और जैसे ही सुना सीता ने कि बच्चे के दो टुकड़े करने का आदेश दिया गया है, वह जोर जोर से क्या करने लगी? रोने लगी। नो नो, नहीं, नो मीन्स नहीं, नो नहीं, माय लॉर्ड, माय मतलब मेरे, लॉर्ड मतलब मालिक, वह जोर जोर से रोने लगी और कहती है नहीं नहीं माय लॉर्ड, मेरे मालिक, डोंट डिवाइड द बेबी इंटू टू हाफ्स, डोंट डिवाइड मत करो, द बेबी बच्चे के, इंटू में, टू मीन्स दो, हाफ्स मीन्स भाग। वह बोलने लगी कौन? सीता, कि बच्चे के दो भाग मत करो, गिव मीन्स देना, दिस मीन्स यह है, बेबी मीन्स बच्चा, टू मीन्स को, गीता, और कहने लगी कि यह बच्चा गीता को दे दो, लेट द बेबी, लेट द बेबी, द बेबी मीन्स होता है बच्चा, लेट रहने दो, अलाइव, अलाइव मीन्स जिंदा, और कहने लगी कि बच्चे को जिंदा रहने दो, द किंग, तभी राजा ऑर्डर्ड आदेश देते हैं, आदेश देना, तभी राजा आदेश देते हैं हिज अपने ऑफिसर्स अफसर, एस लगा हुआ है ज्यादा है तो अफसरों आएगा, द राजा ऑर्डर्ड, तो राजा ने आदेश दिया किसे? अपने अधिकारियों को, गिव मतलब देना, द बेबी बच्चा, टू मीन्स को, सीता, और राजा ने अपने अफसरों को आदेश दिया कि बच्चे को सीता को दे दो, सी, सी मीन्स वह है, किसके लिए बोला गया है? सीता के लिए, इज मीन्स है, रियल, रियल मीन्स सच्ची, मदर मीन्स मां,
वही सच्ची माँ है। कौन? सीता ही बच्चे की सच्ची माँ है, राजा ने बोला। एवरीवन मींस प्रत्येक, प्रेजेंट मींस उपस्थित, एट द कोर्ट, कोर्ट मींस दरबार में, एट द कोर्ट मींस दरबार में, वॉज मींस था, सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित, प्रत्येक या सभी लोग, एवरीवन को सभी लोग भी बोलते हैं, तो सभी लोग जो दरबार में उपस्थित थे वो आश्चर्यचकित हो गए। दे मीन्स बी, जो दरबार में सभी लोग उपस्थित थे उनके लिए दे का इस्तेमाल किया गया है। एप्रिसिएटेड प्रशंसा करने लगे, प्रशंसा करना, एप्रिसिएटेड मीन्स प्रशंसा करना। द विजडम, विजडम, विजडम मतलब होता है बुद्धिमानी, बुद्ध मानी ऑफ किंग, ऑफ मतलब कि किंग मतलब राजा विक्रमादित्य, बे राजा विक्रमादित्य की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे कि राजा ने कैसे पता कर लिया कि बच्चे की सही माँ कौन है। इसके लिए वे लोग राजा विक्रमादित्य की प्रशंसा करने लगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल इंग्लिश धमाका पर जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले की वीडियो सर्च कर सकते हैं। यह तीसरा वीडियो था, इससे पहले के दो वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।